मैं आज दीवार फलांग के, गेट को ताले लगे हुए थे, दीवार फलांग के जनाब मैं अंदर आ गया, रहा नहीं गया। खुशबू वही थी, इवन फूलों की महक भी वही है जो आज से कोई 35-40 साल पहले थी जी। होय 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 होय, ये हमारा असेंबली वाला ग्राउंड जी, दरमियान वाली विकेट होती थी, दरमियान वाली विकेट के लिए कितनी लड़ाइयां होती थी। ओए होए होए होए, इस जगह विकेट हुआ करती थी जी, इस जगह पर, और हर बंदे की कोशिश होती थी कि दरमियान वाली विकेट उसको मिल जाए खेलने के लिए, इस जगह पे। और प्रिंस पीटीआई की मशहूर यहाँ पे एक नारा हुआ करता था असेंबली के टाइम, एफजी पब्लिक हाई स्कूल टेक्सला सलामी देगा। इतने जोर से बोलोगे ये 7 क्वार्टर्स में जो लोग सो रहे हैं वो जाग जाए। वाह वाह, एफजी पब्लिक टेक्सला कैंट, एफजी पब्लिक हाई स्कूल टेक्सला कैंट सलामी दे, और इतनी जोर से बोले कि 7 जो लोग सो रहे हैं वो उठ जाएं। पता नहीं कौन कौन सी कमरों में कौन कौन सी क्लासेस हमारी होती थी, एक दो याद है, खैर ये सामने वाली ऊपर वाली। प्रिंसिपल का ऑफिस होता था जी मैडम ताज का, साथ हाशिम क्लर्क बैठा होता था। कैंटीन तक जाएं, कैंटीन तक। इन सीढ़ियों से उतरते हुए डर लगता था क्योंकि सामने प्रिंसिपल का ऑफिस होता था और स्टाफ रूम, कोशिश होती थी कि किसी और जानिब से उतरा जाए। ये कैंटीन हुआ करती थी जी, समोसे, बंद बंद पकौड़ा, बंद कबाब और समथिंग, ऐसी डिशेस का नाम होता था। ये सामने स्टाफ रूम हुआ करता था। वॉशरूम के हवाले से स्कूल बड़ा खुद के फील होता था कि हर तरफ वॉशरूम। मुझे याद नहीं आ रहा कि हॉल कहां पे था। आ गया आ गया, ये सीढ़ियां हॉल के सामने ही जाती थी वैसे। लेट्स गो, ये है सामने जी अंसारी हॉल। पता नहीं उस वक्त अंसारी हॉल तो नहीं कहा जाता था इसको, अब पता नहीं क्यों कहा जाता है। ये देखिए कुर्सियां वैसे ही टूटी हुई है। ये अलबत्ता 2 क्लासेस में से इस वाली क्लास में पता नहीं हमारी कौन सी क्लास होती थी, लेकिन होती थी। तो ये 5th है,
टेरेस, सर्दियों में धूप पे जब अक्सर कभी कभी यहां पे पेपर्स भी देने पड़ते थे। नकल ना करें, एक दूसरे की तरफ मत देखें। ये नई बिल्डिंग्स बनी हैं, वो वाली उस तरफ जो है उनको क्लासेस या समथिंग, पहले नहीं था ये एरिया, पहले नहीं था, खाली होता था। अगर किसी को याद हो तो हम यहाँ पे अक्सर हॉकी वगैरह भी खेल लिया करते थे।